शार्प ब्रेन, यह दिमाग तेज करने वाली एक्टिविटीज। ब्रेन बनेगी शार्प और स्मार्ट, डिसीजन लेंगे आप। ब्रेन शार्पनेस, दिमाग को तेज बनाना काफी हद तक इंसान के अपने हाथ में होता है। डिश के बारे में बताया जा रहा है जो ब्रेन को शार्प करने का काम करती है। अब बच्चों को भी ये करा सकते हैं। हाउ टू मेक योर ब्रेन शार्प। पैदा होने से लेकर निकलने तक हमारा दिमाग हमेशा और हर समय काम करता रहता है। तब भी जब हम सोते होते हैं तब भी हमारा दिमाग काम करता रहता है। यही कारण है कि हमें सोते हुए सपने दिखाई देते हैं। लगातार एक्टिव रहने वाले अपने दिमाग को थकान से बचाने के लिए हम कुछ ऐसी एक्टिविटीज कर सकते हैं जो बहुत आसानी से एकदम मुफ्त में, और इसके फायदे हजार होते हैं। शार्प योर ब्रेन, दिमाग को तेज करने के लिए आप जिन उपायों को अपना सकते हैं उनके बारे में यहाँ जानें, और ये उपाय कैसे आपको दिमाग को में काम करते हैं इसकी पूरी जानकारी। कुछ भी हो जाए वीडियो पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। ध्यान यानी मेडिटेशन करें, जॉगिंग करें, डाइट बेहतर करें, बाएं हाथ का उपयोग बढ़ाएं, टेट्रिस खेल खेलें, झपकी लें, सुबह जल्द उठें। तो अब हम बात कर लेते हैं कैसे काम करते हैं ये उपाय। यहाँ जो भी उपाय आपको बताया गया है ये सभी अलग अलग तरीके से मस्तिष्क को प्रभावित करते हैं और इसके अलग अलग हिस्सों को एक्टिव बने रहने में मदद करते हैं। बहुत डिटेल में यहाँ सब कुछ बताना संभव नहीं है, लेकिन ये सभी उपाय दिमाग पर हर हुई अलग अलग रिसर्च में प्रभावित साबित हो चुके हैं। ध्यान मस्तिष्क को एक्टिव और शार्प रखने के लिए सदियों पुराना उपाय है ध्यान मेडिटेशन। हमारे ऋषि मुनि और ज्ञानी लोग सदैव ध्यान लगाते थे। यही कारण था कि वो गुणनाओं में बहुत माहिर हुआ करते थे और उन्हें बड़े बड़े ग्रंथ जुबानी याद रहते थे। अगर विज्ञान के आधार पर बात करें तो ध्यान करने से ब्रेन अच्छी मात्रा में न्यूरोलॉजी बनने में सक्षम होती है। जॉगिंग करना शरीर पर कई तरह से प्रभाव डालता है। यह पूरी शरीर को एक साथ एक्टिव रहता है, साथ ही ब्रेन को भी इन्वॉल्व करता है। इसके साथ ब्रेन वॉल करें और राशि कूदे, ये सभी शरीर गतिविधियों शरीर को मजबूत और दिमाग को तेज बनाती हैं। डाइट, दिमाग को तेज रखने के लिए अपनी डाइट में प्रोटीन और ओमेगा 3 फैटी एसिड की सही मात्रा का हमेशा ध्यान रखें, साथ में विटामिन डी और कैल्शियम। ये सभी चीज़ें ब्रेन को हेल्थी रखने और सही तरीके से काम कराने के लिए ज़रूरी हैं। बाएं हाथ का उपयोग, हम सभी अपने ज़्यादातर कामों को अपने करने के लिए सीधे यानी दाएं हाथ का प्रयोग अधिक करते हैं, लेकिन कई शोध में यह बात साबित हो गई है कि जो लोग दाएं हाथ साथ ही अपने हाथ को उपयोग भी बराबर तरीके से करते रहना है उनका दिमाग अन्य लोगों की तुलना में अधिक सार्थक होता है और स्मार्ट डिसीजन लेते हैं। टेट्रिस खेल, टेट्रिस यानी ब्लॉक जोड़ों वाला खेल, जब आप खेलते हैं तो ब्रेन में उपस्थिति ग्रे ग्रेमेट्री को वृद्धि करता है। ग्रेमेट्री ही चीज़ों को याद रखने में सहमत करता है। इस तरह ब्लॉक खेल में याददाश्त बढ़ती है और अच्छी याददाश्त बेहतर निर्णय लेने में मदद करता है। थोड़ी देर ही झपकी, दिन में जब भी आप थकान लगे तो आप 15 से 20 मिनट की एक झपकी नियप जरूर लें। इससे भी याददाश्त बेहतर होती है और व्यक्ति का तुलनात्मक अध्ययन करने की क्षमता बढ़ती है। यानी जब भी आपको कोई स्मार्ट और सही निर्णय लेना होता है तो पहले परिस्थितियों को जांच लेते हैं तो कि क्या करना सही रहेगा। ये जो कैलकुलेटिव पावर होती है दिन में झपकी लेने की आदत, इसे पावर को बढ़ाने में मदद करती है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जागने या सूर्य उदय से पहले की आदत बना लें। ये दोनों ही पहर दिन की शुरुआत करने के लिए बहुत अच्छे होते हैं। इस समय उठने से ब्रेन में हैप्पी हार्मोन्स और इंटेलिजेंस हार्मोन्स का सप्रेशन प्राकृतिक रूप से बढ़ता है, इसलिए सुबह
जागना आपको शांत, समझदार और खुश मिजाज बनाता है, साथ में तनाव से भी साथ रखता है। दोस्तों, वीडियो जरा सा भी यूज़फुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर करें।